हाय फ्रेंड्स, पता है मेरा स्कूल बच्चों को शिमला की ट्रिप पर लेके जा रहा है। मुझे भी जाने का मन है, तो आ जाओ देखते हैं कि मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ शिमला की ट्रिप पर जा पाती हूँ या नहीं। और हाँ, आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती है ना, तो प्लीज लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आ जाओ स्टोरी देखते हैं, बहुत मजा आएगा। हेलो परी, क्या बात कर रही है? तेरे पापा ने हाँ बोल दिया? प्रति के पापा ने भी हाँ बोल दिया? यार मैं कैसे पटाऊँ यार। हाँ ये आइडिया अच्छा है, पहले मम्मा को पटाती हूँ, फिर मम्मा से बोलूंगी कि पापा को पटाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मम्मा आ रही है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है, बाय बाय। किससे बातें हो रही हैं? किसी से नहीं मम्मा, मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। क्या बोल रही हो? मम्मा वो ना हमारे स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर लेके जा रहे हैं। ट्रिप पर? अरे वाह, कहाँ पर? शिमला। शिमला, वाओ। मम्मा प्लीज जाओ, आप स्नो की इतने मजे आएंगे फ्रेंड्स के साथ। एंजॉय तो काफी करोगे वहाँ पर। कौन कौन सी फ्रेंड्स जा रही हैं? परी, रितिका, कृति, सारे सारे जा रहे हैं। हाँ तो तू भी चली जाना। लेकिन वहाँ फीस लगेगी। कितनी? 12,000। 12,000? बेटा 4-5 हजार होते तो मैं भी दे देती, पापा भी मान जाते। बेटा 12,000 के लिए तो पापा कभी नहीं हाँ करेंगे। प्लीज एक बार ट्राई करना। बेटा मैं पापा से पूछ लूंगी, पर 12,000 बेटा बहुत ज्यादा होते हैं ना। मम्मा मैं कभी नहीं गई स्कूल ट्रिप पे, प्लीज मुझे जाना तो ना। मेरे सारे सारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, प्लीज। पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। मैं पापा से भी क्या बोलूं? अब ट्राई तो करूंगा। बेटा पापा नहीं मानेंगे, 4 डेज के लिए 12,000 रुपीज अपन वेस्ट कर देंगे। आ तुम इतनी अच्छी मम्मा, इतनी प्यारी मम्मा, प्लीज 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 प्लीज। बेटा मैं तो चाहती हूँ आप जाओ घूमो, पर बेटा एक बार मैं पापा से पूछती हूँ, फिर अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? मुझे पता है वो मान जाएंगे। कैसे? आपके सही बात तो मानते हैं पापा। शायद मान जाएंगे। चल तू तो तैयारी कर, है ना? पापा मान जाएंगे, ठीक है? हेलो परी, पता है मेरी मम्मी ने भी हाँ बोल दिया। ये इतने मजे आएंगे, तो पार्टी करेंगे, शिमला जाएंगे, कुफरी जाएंगे, इतने मजे आएंगे। हाँ मैंने डिसाइड तो नहीं करा है। हाँ करती हूँ अभी, मैं बटरफ्लाई वाला पहनूंगी। हाँ ये बटरफ्लाई वाला नहीं, ये पहन सकती हूँ, ये पहनूंगी। और ये मेरा फेवरेट पोचू, मैंने पहन भी लिया। और ये मेरा फेवरेट पर्स। मम्मा आपको पता है आज गार्डन में क्या हुआ? क्या हुआ? गार्डन में ना मेरे पीछे डॉगी पड़ गया। फिर? फिर मैं भी उसके पीछे पड़ गया। मतलब? फिर वो मेरे पीछे पड़ गया, फिर मैं उसके पीछे पड़ गया, फिर वो मेरे। अरे क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हम दोनों राउंड राउंड काट रहे थे। राउंड राउंड तो काट रहे थे, काटा तो नहीं ना डॉगी ने? नहीं। डॉगी कोई खेलने की चीज है जो उसी के साथ खेल रहा है? गार्डन में कोई था ही नहीं, बस डॉगी दिखा था। डॉगी के साथ खेलिए। सिर्फ डॉगी दिखा था, डॉगी के साथ खेल लिया। बेटा गार्डन में क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, झूला झूलो, डॉगी मिला डॉगी के साथ खेलने लगे। ना खेले क्या करूं? आयु तेरा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तू तो जा। जाओ हाथ में दो आप तो। मम्मा मैं कौन सा सूटकेस लेकर जाऊंगी? अरे बेटा अभी थोड़ी जा रहे हो, अभी तो टाइम है ना। दीदी कहाँ जा रही? शिमला। मतलब हम शिमला जा रहे हैं? हम नहीं, मैं परी मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बाय बाय। और अभी आपको कौन सा जल्दी में निकाल लूंगी सूटकेस? मैं तो कपड़े निकाल लिए, अब मैं कहाँ पर रहूँ? अच्छा पापा निकाल लूँ अभी मैं। अच्छा मैं आप तो पहले मेरे को ये बताओ, दीदी शिमला क्यों जा रही, मैं क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ट्रिप 5 to 8 के बच्चों के लिए है, इसीलिए। ये वाली ट्रिप पे मेरे को भी जाना है। बेटा वो बड़े बच्चों को लेकर जा रही ट्रिप में, छोटों को नहीं लेकर जा रही। मेरे को जाना है, जाना है, जाना है। आप पहले हाथ में धोकर आओ, खाना खाओ। नहीं तू जा। अरे पीहू तुझे भी अभी बोलना जरूरी था। जाना है, जाना है, जाना। तुम आप बताओ मैं कपड़े कहाँ पर रखूँ? मुझे नहीं पता, आपको पता है वो इतना जल्दी वो मेरे पीछे पड़ गया है, जबरदस्ती घर में पंगे डाल दिए, शांति से बैठे थे। आप एक मैं सूटकेस दो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी कुछ नहीं कर रही। अरे अरे पीहू। हाँ मैं आ रही हूँ। इधर आ बेटा, थोड़ी हेल्प करा दे, पापा आने वाले। अरे छोड़ छोड़ छोड़। पीहू देख पापा आ भी गए, पापा की कार आ गई बाहर। नहीं जानते, जान रहे हैं मुझे, मुझे पापा को बैठा दे। आप
बोला डॉक्टर? अरे कुछ नहीं यार, वो रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, फिर से खर्चा। तो कराना है तो कराना ही है ना यार। हाँ यार, अब परेशान हो गया दर्द से तो। देखो आपके गाल पर ही स्वेलिंग आ रही है। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, खाने में क्या बनाया? दाल बाटी। हैं? देखो पता है मेरे दांत में दर्द है। अरे हाँ, आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मम्मा सुनो ना। हाँ क्या? मैं जाऊँ क्या? कहाँ पर? पापा के पास बात करने। जाओ बात करो। चल रही है? ठीक है। मम्मा को बोलना खाना लगा दे। हाँ मैं बोलती हूँ अभी। मम्मा। हाँ? आप पापा को खाना लगा तो मम्मा आप ही बात करो ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है अपन आप बोल देंगे तो। चल मैं बात करती हूँ। अच्छा सुनो। एक बात करनी थी आपसे। बोलो। पीहू के स्कूल वाले जा रहे हैं ट्रिप पर। अच्छा? शिमला। शिमला? अरे वाह, तो उसको भी जाने का मन है। हाँ तो भेज देना। पर उसकी फीस है 12,000 रुपए। 12,000? यार तेरे को पता है कि अभी इस महीने तो दोनों की स्कूल की फीस जमा हुई है। पर उसका बहुत मन है यार, अभी मंथ एंड चल रहा है, 25 तारीख है आज, पता है तेरे को। कुछ पैसे मेरे पास रखे हैं, कुछ करके करते है ना। ठीक है चल, ये 10,000 है, दो तीन तेरे पास हो जाएंगे। ठीक है चल, भेज दो उसको, बोल दो उसको। चल। परमिशन मिल गई। ये 12,000 है? नहीं ये 10,000 है। 2,000 मेरे पास रखे, वो मैं तेरे को दे दूंगी। मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। मम्मा वैसे ना मुझे 2,000 की शॉपिंग भी करनी है। हाँ वो थोड़े बहुत मैंने इकट्ठे कर दिए, मैं तेरे को दे दूंगी जब तू पापा को थैंक्स बोला। थैंक यू पापा, आपने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और ज्यादा मस्ती मत करना ट्रिप में। ठीक है चलो। अच्छा सुन एक काम कर, मैं लीगल स्माइल आते प्लीज। थैंक यू। वैसे गोली क्यों खा रहे हो? अरे वो मेरे दांत में दर्द हो रहा था ना, तो उसकी गोली है ये। तो आप डॉक्टर के पास नहीं गए? मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, अब मैं सोच रहा हूँ अगले महीने करा लूँ। ठीक है। हेलो डॉक्टर शर्मा सर, मैं पीयूष बोल रहा हूँ। जी सर, वो मेरा अपॉइंटमेंट था ना नेक्स्ट वीक का। हाँ तो सर प्लीज आप उसको पोस्टपोन कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। वो एक्चुअली सर हमारा कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। जी सर, वो ट्रीटमेंट के लिए। ओके पापा। मुझे पता है कि आप मेरी शिमला की ट्रिप की वजह से अपना ट्रीटमेंट पोस्टपोन करवा रहे हो। ये किसने बोला? मुझे पता है आप अपना ट्रीटमेंट इसी वीक में करवाओगे। अरे तो बेटा तुम जाओ ना शिमला, क्या दिक्कत है उसमें? अगर आपका दांत दुखता रहेगा तो आपको क्या लगता है कि मैं ट्रिप पे एंजॉय करूंगी? मुझे नहीं चाहिए 10,000 रुपीज, और आप इसी वीक में जाओगे अपना ट्रीटमेंट करवाओगे। मैडम आपकी बेटी समझदार हो गई है। क्या किया इसने? वो 10,000 रुपीज इसने मुझे वापस दे दिए। क्यों, ट्रिप पे नहीं जाना क्या? सुबह से तो नाटक लगाए हो तो ट्रिप ट्रिप ट्रिप, पर क्यों वापस क्यों करें? मेरी ट्रिप से जरूरी, पापा के दांत का दर्द है। पीहू बड़ी हो गई है ना पीहू? तो कोई बात नहीं, अपन उस दिन जिस दिन आपकी सब फ्रेंड्स ट्रिप पर जा रही हैं, अपन पिकनिक चल चलेंगे। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम एंजॉय करेंगे। हाँ। वो वहाँ एंजॉय करेंगे, हम यहीं पर एंजॉय कर लेंगे। हाँ और वो पिकनिक के पैसे मम्मा देगी। मेरे पास पैसे नहीं है। आपने बोला था 2,000 रुपीज है आपके पास। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे खर्चों में से नहीं, आप तो मेरे जेब खर्चे ऐसे रख लोगे। कोई बात नहीं ठीक है। तो देखा आपने,
पापा तो मुझे ट्रिप पर भेजना चाहते थे, लेकिन ये हम बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फालतू के खर्चों पर जितना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।